गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है बस, और खाना खाने के बाद आपको पता ही है कि घर में हो जाता है धमाका, तो अब इन दोनों का धमाका शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं इनको लेके जाती हूँ बाहर, क्योंकि सम्राट को खाना खाने के बाद पॉटी जाना होता है। इससे पहले भी वो जा चुका है। सम्राट का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो सुबह उठता है 7 बजे, उसका पहले 6 बजे था, अब आजकल हम थोड़ा लेट सोते हैं तो इस वजह से वो 7 बजे उठता है। और 7 बजे हमें हर हाल में उठना होता है, क्योंकि 7 बजे उसका प्रेशर बन जाता है, उसका टाइम फिक्स है 7 बजे। और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रोक लेगा तो 7:30 बजे, तो 7:30 मुझे उठना पड़ता है। फिर मैं इसको लेके जाती हूँ बाहर, जहाँ पे ये सुसु और पॉटी दोनों करके आता है। फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास मैं इनको देती हूँ खाना सुबह का, और खाना खाने के बाद इन्हें मैं दोबारा से बाहर लेके जाती हूँ। शमशेरा को इस टाइम पे बिल्कुल भी पॉटी नहीं जाना होता है, वो सिर्फ सम्राट के साथ मैं उसको घुमाने ले जाती हूँ कि चलो उसकी भी आउटिंग हो जाएगी उसके साथ साथ। लेकिन सम्राट को जाना होता है, क्योंकि सम्राट अभी छोटा है तो उसका टाइम है अभी, वो 3-4 से 5 बार जाता है पॉटी करने। लेकिन शमशेरा का अपना टाइम फिक्स है, वो दोपहर के लंच के बाद जाता है हमेशा पॉटी। जब बाहर वॉक पे जाते थे तो वो शाम को जाता था, लेकिन आजकल बारिश की वजह से हम वॉक पे नहीं जा पाते हैं। तो अब मैं इनको लेके जा रही हूँ सबसे पहले बाहर, फिर उसके बाद ही खेलते रहेंगे। तो चलो चलो, सुसु बन जाएगा, चलो भाई आज तैयार भी नहीं है सुसु जाने के खेल। सुसु के नाम पे गेट पे चले जाते हैं ये लोग दोनों। चलो सुसु पॉटी जाना है, सम्राट सम्राट सुसु जाना है, मैं भी नहीं लेके जा रही। ठीक है फिर लड़ते रहो तुम लोग, देखती हूँ कब तक गेट पे नहीं बैठते, इनको खेलने देती हूँ, आज बोलती नहीं हूँ। सुन ही नहीं रहे, लगी नहीं होगी, इसीलिए नहीं सुन रहे। इनको लगी हो या ना लगी हो, लेकिन मैं खाना खिलाने के बाद ज़रूर बाहर लेके जाती हूँ, ताकि सम्राट का एक रूटीन सेट हो जाए। कई बार मुझे आप लोग पूछते भी हो कि सम्राट का रूटीन आप कैसे सेट करते हो, सुसु पॉटी का या बाहर जाने का या किसी भी चीज़ का। तो जैसे ही वो खाना खाता है उसके बाद मैं ज़रूर बाहर लेके जाती हूँ। 3 टाइम खाना खाता है, 3 टाइम खाना खाने के बाद तुरंत बाहर लेके जाती हूँ, ताकि अब जब वो बड़ा होगा तो उसका रूटीन सेट हो जाएगा। चलो सुसु जाना है, सुसु नहीं जाना, इनको जाना ही नहीं है आज। चलो सुसु, अब खुश, अब गए, चलो। इन दोनों को मैंने नहला दिया है, और गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे सम्राट ने आज क्या किया है। नहाने के बाद मैंने इनको यहाँ पे बालकनी में छोड़ दिया था, कि धूप भी आ रही है, अच्छे से सूख जाएंगे जल्दी। और बालकनी में छोड़ने के बाद मैं बस वॉशरूम में टॉवल लेने गई थी, मैंने सोचा टॉवल लाके मैं पोंछ देती हूँ। भाई साहब सम्राट, वो आपको वहाँ पे वो दिख रहा है जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ, वहाँ से सम्राट सीधे निकला है बाहर, और इसने क्या दौड़ लगाई है। सम्राट सम्राट बालकनी से मैं बोलती रही, लेकिन ये नहीं आया। फिर मैं मेन गेट से जब तक गई तब तक ये वो उधर कोने में भाग के वापस आ गया था, और वापस यहीं से अंदर भी घुस आया जहाँ से निकला था। मैंने कहा सीधे अंदर चल, तो मेन डोर से नहीं आया, जहाँ से बाहर निकला था वहीं से अंदर आया। तो इसको इतना गुस्सा आ गया कि मैंने इसे नहला दिया, इस बात का कि मैंने इसे नहलाया क्यों। और इसने ऐसा भागा है घर से, ये लड़का भगोड़ा, इतना बड़ा भगोड़ा निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये सच में आज पहली बार भागा है, ये इतना खतरनाक तो पहली बार भागा है। मैं डर गई थी, मैंने कहा अभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से जितने गुस्से में ये भाग के गया था, तो मैं सच में डर गई थी कि अब नहीं आने वाला ये हाथ। लेकिन जब मैं ज़ोर से बोली कि घर आता है कि नहीं, तो सीधे भाग के घर आया है। और अब देखो, अब इसको पहले फटाफट ड्रायर से सुखाती हूँ मैं, वरना इसके गीले बाल मुझे तंग करते रहेंगे। आज दोनों को नहलाया था, तो नहलाने के बाद देखो बेड से नीचे नहीं उतरते, ये बेड में ही सोते हैं। और इसका सोने का तरीका देखो जरा, देखो तो इसको, देखो तो समझिलू, ये भैया कैसे चोला, ये बांदरू हमारा कैसे चोला, पारी पारी हो रहा दोनों भाइयों का, पोली पोली इसका मुंह तो देखो, बटन जैसा मुंह, इसका बटन जैसा मुंह तो देखो। मस्त सो रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि आज नहलाया है, तो नहाने वाले दिन इनको लग जाती है ठंड, तो बेड पे ही सोते हैं, नीचे सोते भी नहीं। और दिन आप लोगों ने देखा होगा मैं कितना भी बुला लूँ तो ऊपर नहीं सोते, इनको जाके नीचे सोना होता है। लेकिन आज सोएंगे यहाँ बेड में, है ना,
इनके बाप का राज है बेड पे, इनके बाप का राज है। छोए रहो तुम, छोए रहो, मजे करो, मजे मजे करो, यही तो खेल रहे थे आपस में। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी मस्ती कर लूं इनके साथ, तो दोनों गुस्सा हो गए कि बीच में मत आओ, अपनी पुच्छू पकड़ लो, पुच्छू पकड़ लो। समझेरा कह रहा है आप बीच में मत आओ प्लीज, हमें खेलने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो। गुचु 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 इसको इसको छेड़ने में मजा आता है ना सम्राट। समझेरो रुक, अपने पुच्छ उगाओ सम्राट। ए तेरी हम्पिंग नहीं खत्म होती समशेरा, एक तो कह रहा है उसको मत तंग करो, मुझे कह रहा है कि मुझे खेलने दो उसके साथ, आप मत आओ बीच में, मैं तो खेलूंगी सम्राट के साथ, खेलूंगी देखना कैसे दिखाता है ये भालू का बच्चा, ये भालू का बच्चा। क्या यार, अभी तक चैन से सो रहे थे और अभी अभी ये क्या हो गया? क्या इतना क्या गुस्सा आ गया तेरे को समशेरा? ओ भाई गुस्सो सम्राट, करो तेरी पिटी, तू दादा को काटता है, करो करो, काट रहा उसको, करो तेरी पिटी। कह रहा लो उसको नहीं काटता, अब आपको काट लेता हूँ। तू छप को काटता क्यों रहता है? बैठ जा पीछे। जबरदस्ती लड़ता है भाई, जबरदस्ती। अभी आज हो रही है बाहर बहुत ही तेज बारिश, तो मैं इनको बाहर भी लेके नहीं जा सकती, इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे अभी। तो हम लोग आज बेड में ही बैठे रह गए हैं बहुत देर तक। जाली फाड़ ली है इन लोगों ने और वहाँ से मुंह निकाल के बाहर देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बदतमीज़ लड़के। और तू वहाँ से क्या देख रहा है वे, अपनी क्यूटनेस दिखा रहा है सबको कि मैं हंसती हूँ, देखो मेरी क्यूटनेस है ना, देखो, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, हम बाहर जा नहीं पाएंगे, तो अभी इनका सुसु पॉटी का भी देखना पड़ेगा कि कैसे कराना है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन तब तक मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइज़।